नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक सिंबल ऑफ अट्रैक्शन माने जाने वाली पर्ली वाइट स्माइल आज के मॉडर्न टाइम में राइट इम्प्रेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि एज के साथ हमारे टीथ का कलर चेंज होता है, जो एक सटल ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि एज के साथ हमारे टीथ थोड़े से येलो डार्क दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि इनेमल जो सबसे ऊपरी सतह होती है हमारे दाँतों की, उस समय के साथ एज के साथ जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं वो वेयर ऑफ हो जाती है, थिन होने लगती है। तो उसकी वजह से उसके अंदर की जो सतह येलोइश डेंटिन होती है वो ज़्यादा विजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे टीथ कंपैरेटिवली ज़्यादा येलो और डार्क दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक डिमांड जो आज के समय में है, यानी कि पर्ली वाइट टीथ का होना। हालांकि इसका सबसे इफेक्टिव और क्विकेस्ट वे है कि आप डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, प्रोफेशनल वाइटनिंग कराइए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढ रहे हैं, यानी कि घर बैठे आप चाहते हैं कि आप अपनी टीथ को थोड़ा सा ब्राइट वाइट बनाएं, तो वो आज के वीडियो में आज आप हमारे साथ जानिए। इसके साथ हम जानेंगे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि अपनी वाइट स्माइल को आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, उसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, उसके डूज और डोंट्स यहाँ पर क्या हैं, उसे हम जानेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देर के करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसे ही डेंटल हेल्थ से जुड़ी आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। टीथ वाइटनिंग के इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जानने के पहले यहाँ हम जान लेते हैं किन कारणों की वजह से आपके टीथ का कलर चेंज होता है, टीथ पे स्टेन्स आते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल रीज़न यहाँ पे है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, ब्लूबेरीज खाते हैं, रेड वाइन आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके टीथ पे स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एज के साथ आपके टीथ का कलर एक सटल ग्रेजुअल वे में चेंज होता है, जो इनएविटेबल है, ये वन ऑफ द रीज़न है टीथ कलर चेंज होने का। अगर मुंह में सलाइवा की कमी है, लैक ऑफ सलाइवा है, या मुंह में ड्राइनेस की आपको समस्या है, तो टीथ कलर चेंज यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी के साथ ही जेनेटिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ एक लोगों में एक यंग एज के साथ ही टीथ का डिफरेंट कलर नोटिस किया जा सकता है, हमारे जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरे कारणों को यहाँ पर जानते हैं, अगर आपकी ओरल हाइजीन हैबिट्स पुअर हैं, यानी आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, प्रॉपर टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, टीथ में कलर चेंज हो सकता है। अगर आप इस तरह की जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड का कंटेंट हाई है, या फिर टूथपेस्ट में फ्लोराइड का कंटेंट हाई है, तो उसकी वजह से टीथ का कलर चेंज यहाँ पर हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर तरीके के माउथ वॉश और मेडिकेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। टोबैको च्यूइंग की आपको हैबिट है, साथ ही स्मोकिंग की हैबिट है, तो टीथ कलर चेंज होना यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस रीजन है। लास्टली, अगर आपको टीथ इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से दांत का कलर चेंज हो सकता है। अगर शुगर का कंजम्पशन बहुत हाई है आपका, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप यहाँ पे बहुत ज्यादा लेते हैं, टीथ कलर चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंड्स, टीथ वाइटनिंग के इन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जानने के पहले जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। आपको सारे मेथड्स एक साथ नहीं ट्राई करने हैं, आपके लिए सूटेबल कुछ सेलेक्टिव बेस्ट मेथड्स आप चूज़ कीजिए। थ्रू आउट द वीक रोटेटरी वे में आपको इन्हें अपनाना है।
ओवरडू यहाँ पे किसी चीज को नहीं करना है। कुछ एक मेथड्स ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके लिए पेशेंस चाहिए, यानी कि उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आने के लिए 2 से 3 वीक का टाइम भी लग सकता है। तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए, टाइम डिवोट कीजिए, और इसके साथ ही अगर किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है तो वो आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आपको गम इरिटेशन ऑलरेडी है या फिर आपको टीथ सेंसिटिविटी है तो ये बढ़ सकती है कुछ एक मेथड्स की वजह से। तो वो लिमिटेशंस के साथ आपको यहाँ पे फॉलो करना है वाइजली, अपने लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे आप चूज कीजिए। एक पर्ली वाइट स्माइल के लिए और साथ ही हेल्दी टीथ को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो आपको डेली बेसिस पे करना है दिन में 2 बार, वो है प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग। एक हेल्दी स्माइल को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी गम्स को मेंटेन करने के लिए, टीथ को वाइट बनाए रखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लाक और टार्टर को रिमूव करने में हेल्पफुल है अगर आप राइट टेक्निक से ब्रशिंग कर रहे हैं। कम से कम 2 मिनट का समय आपको यहाँ पर देना है एट अ टाइम प्रॉपर ब्रशिंग के लिए। सर्कुलर मोशन में ब्रश कीजिए, बहुत हार्ड ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, अग्रेसिव फोर्सफुल ब्रशिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये दांत की सबसे ऊपरी सतह इनेमल को थिन और वेयर ऑफ करती है टाइम के साथ। अगर आप इस तरह के मेथड को अपनाते हैं जिसकी वजह से अर्ली एज में टीथ डार्क और येलो दिखाई दे सकते हैं, प्रॉपर टेक्निक अपनाइए, प्रॉपर फोर्स यहाँ पे यूज़ कीजिए, 2 मिनट तक अच्छे से ब्रश ज़रूर से कीजिए। इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर स्टेन कॉज करने वाला फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, तो आपको ब्रशिंग ज़रूर से करनी है। लेकिन इस तरह का खाना खाने के बाद या फिर किसी भी तरह का खाना अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद इमीडिएट ब्रशिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद मुँह में एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और उस समय पर अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो बाहरी जो दांत की है इनेमल, उसके इरोजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अर्ली एज में टीथ डार्क और येलो यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, टीथ सेंसिटिविटी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो खाने और ब्रशिंग के बीच में आपको 1 आवर का गैप जरूर से रखना है। राइट ब्रशिंग टेक्निक और रेगुलरली दिन में 2 बार ब्रशिंग के साथ टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत से अवेलेबल, वाइड रेंज में अवेलेबल टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट या फिर चारकोल एक्टिवेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए रेगुलर टूथपेस्ट की बजाय आप टीथ वाइटनिंग या चारकोल एक्टिवेटेड टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए दिन में 2 बार ब्रशिंग के समय। 2 से 6 सप्ताह तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद आप अपने रेगुलर रूटीन टूथपेस्ट पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें कोर्स अब्रेसिव प्रेजेंस होते हैं एक अच्छे वाइटनिंग रिजल्ट्स के लिए, तो अगर आपको टीथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल आप लिमिटेड कीजिए। टीथ वाइटनिंग और स्टेन्स रिमूवल के साथ साथ येलो प्लाक बिल्डअप और बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन परोक्साइड और बेकिंग सोडा से बने पेस्ट का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा आपको लेना है, उसमें 1/2 टीस्पून हाइड्रोजन परोक्साइड लेना है। 3 से 6% तक का सोल्यूशन आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है। इस पेस्ट को आपको ब्रश पे लगाना है, बाहरी सतह पे स्पेशली आप लगाइए, 1 से 2 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए और फिर प्लेन वाटर से इसे वॉश कीजिए। अगर किसी भी तरह की सेंसिटिविटी, गम इरिटेशन यहाँ पर आपको नहीं है या फिर इस पेस्ट से नहीं हो रही, तो इसका इस्तेमाल लगभग 4 सप्ताह तक किया जा सकता है डेली इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। येलोइश प्लाक डिपॉजिट और बैक्टीरियाज को रिमूव करके टीथ वाइटनिंग करने वाला ऑयल पुलिंग मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है।
कोकोनट ऑयल यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑयल पुलिंग के लिए, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही आपको यूज़ करना है। 1 से 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल का आप लेके मुंह में अच्छे से स्विश कीजिए। 10 से 30 मिनट तक आपको लगातार ऐसा करना है। थ्रोट में आपको डीप थ्रोट में ये नहीं लेके जाना है, साथ ही इसे स्वेलो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयल पुलिंग के बाद आप इसे किसी पेपर पे या टॉयलेट में स्पिट कर सकते हैं। उसके बाद अपने मुंह को प्लेन वाटर से अच्छे से आप वॉश कीजिए, 1 ग्लास पानी पीजिए और उसके बाद आपको प्रॉपर ब्रशिंग यहाँ पर करनी है। टीथ वाइटनिंग के लिए और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यहाँ पर जाने तो एप्पल सिडार विनेगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक एप्पल सिडार विनेगर का यूज़ ही आपको यहाँ पर करना है। 1 से 2 टीस्पून एप्पल सिडार विनेगर को आपको डाइल्यूट करना है 180 ml या फिर 6 ounce पानी के साथ। मुंह में लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको इसे घुमाना है, स्विश करना है, स्वेलो नहीं करना यानी निगलना नहीं है। 1 से 2 मिनट तक स्विश करने के बाद इसे थूक दीजिए और फिर क्लीन वाटर से अपना मुंह आप थरोली क्लीन कीजिए। एप्पल सिडार विनेगर का यूज़ आप डेली कर सकते हैं 1 से 2 मिनट तक के लिए, लेकिन 15 से 30 दिन तक की इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आपको सेंसिटिविटी और गम इरिटेशन की समस्या पहले से ही है तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही लिमिटेड वे में करना है। एप्पल सिडार विनेगर के यूज़ के साथ यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, साथ ही इसके यूज़ के बाद इमीडिएटली ब्रशिंग आपको नहीं करनी है। डी लेमोनिन या फिर सिट्रिक एसिड से भरपूर लेमन, ऑरेंज या बनाना का पील आप इस्तेमाल कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। लगभग 2 से 4 सप्ताह तक इसे यूज़ किया जा सकता है इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। जेंटली रब करना है दांत की बाहरी सतह पे। इनमें से किसी भी एक फ्रूट के पील को 1 से 2 मिनट तक बहुत ही जेंटली इसे रब कीजिए। उसके बाद आपको अपना मुंह क्लीन वाटर से थरोली बहुत ही अच्छे से वॉश यहाँ पर करना है। डी लेमोनिन जो है वो आजकल टूथपेस्ट में भी अवेलेबल होता है, तो इस तरह के इंग्रेडिएंट वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इस तरह के टूथपेस्ट के साथ आपको ब्रशिंग करनी है। लगभग 4 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा प्रिकॉशन है, जिन्हें ऑलरेडी टीथ सेंसिटिविटी या गम इरिटेशन की समस्या है, इस ऑल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल आपको लिमिटेड वे में करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो बेस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेथड्स जिनकी मदद से टीथ वाइटनिंग के डिजायर्ड रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं, अगर आप ऊपर बताए हुए मेथड और प्रिकॉशन को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। साथ ही छोटी सी बात, जो टीथ स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी हैबिट्स को, फूड और ड्रिंक्स को आप मिनिमाइज करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो अच्छी टीथ वाइटनिंग को यहाँ पे मेंटेन भी किया जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपकी हेल्दी ब्राइट वाइट स्माइल में कंट्रीब्यूट करे ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसी ही डेंटल हेल्थ से जुड़ी आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।